आपके विश्वास से लोग चंगे हो सकते हैं। मान लो आपका छोटा बच्चा है, बीमार है, 1 साल का 2 साल का 3 साल का बुखार है, उसे आप कॉल सेंटर पर प्रेयर करवाएंगे, अजी सिस्टर जी प्रेयर कर दो जी, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, 3 दिन तो कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है। मुझे विश्वास है आप अगर प्रेयर करेंगे, प्रभु के दास ने आपको ब्लेस किया है कॉल सेंटर में, आप अगर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसने विश्वास दिखाया? माँ ने अपने बच्चे के लिए। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए विश्वास दिखा के उसके लिए जीवन में चमत्कार ले सकता है। आप किसी बीमार को लाकर अपने विश्वास से कि मैं इसे चर्च में लेके जाऊंगा और ये चंगा हो जाएगा, वो विश्वास करे चाहे ना, आपके विश्वास से वो चंगा हो सकता है, समझ लो इस बात को। आपका कोई फैमिली मेंबर बिलीव करे चाहे ना, आज से जो नेगेटिविटी निकालनी है आपने, जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, वो बिलीव करे चाहे ना, आप सोचे मेरे विश्वास से, ये मेरा अपना है, ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसे प्यार करता हूं, चाहे ये प्रभु में नहीं है पर मेरे विश्वास के द्वारा इसे चंगा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे लव करती हूं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चाहे यीशु पर विश्वास नहीं करता पर मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं, मैं इसके लिए विश्वास करता हूं, ये हील होगा यीशु नाम। आपको एक और चीज बताता हूं, एक आगे वचन वो आएगा, आप विश्वास करें चाहे ना यीशु के अंदर, और आज से ये चीज समझनी है हमने, यीशु के अंदर, उसके दास के अंदर ऐसी ताकत है, वो अपने विश्वास से आपको चंगा कर सकता है। यीशु कहता है मैं पापियों के लिए को बचाने के लिए आया हूं। लूका 18:27 में उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। अगले वचन को निकाल लेंगे, यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। एक बात को आपने समझना है, अब मैं हीलिंग और डिलीवरेंस की ओर बढ़ने जा रहा हूं इस सालवेशन के मैसेज के बाद। जो अगला आपने बिलीव करना है कि बाइबल में क्या परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कई बार आप अपने ऊपर देखते हो, मैं तो पापी हूं, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये आपकी सोच है, आपकी ताकत है। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर से, मनुष्य तो नहीं। आपको नहीं लगता मेरी सॉली कैसे निकल जाएगी, मेरी गिल्टियां कैसे गायब हो जाएंगी, मैं कैसे सुनने लगूंगा, मैं कैसे चल सकता हूं, ये आपकी सोच है। पर बाइबल में लिखा है, आप तो सोचते हैं मनुष्य से तो कई चीजें आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े हैं, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, और अब आप ऊपर वाले के पास आ चुके हो जो रियल ऊपर वाला है, हालेलुया। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, अपने पास से कभी ना निकालूंगा। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, जो आपको लगता है मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, हाँ आप सच बोल रहे हैं नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो करे, जो भी आपके हालात है, कभी मत ये सोचो ये नहीं हो सकता। कल से प्रभु मुझे ये सिखा रहे हैं आत्मा में, मैं आपके अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूं आज इस प्रेयर के द्वारा। कभी मत ये सोचो, मत ये नहीं हो सकता, ये व्यक्ति नहीं बदलेगा, ये मेरा हस्बैंड नहीं चेंज हो सकता, ये बच्चा नहीं बदल सकता, मैं तो ये चंगा हो ही नहीं सकता, अब तो मैं इस बीमारी के एंड पर हूं, अब तो कितने, अब तो मर जाऊं, मौत मांग रहा हूं, क्योंकि अब मैं वापस चंगाई में नहीं आ सकता। पिछले संडे आपने गवाही सुनी, बंदा पूरा व्हीलचेयर पर, स्ट्रक्चर पर, पूरा उसे एम्बुलेंस में डाल के लाते, 1 साल 1.5 साल चल नहीं पाया, चर्च में प्रार्थना करवाई, वो स्ट्रक्चर छूटा, वो खुलाते थे उसे, टॉयलेट बाथरूम ऊपरी था, मौत के मुंह से उसने कहा मैं रोजे कर्द लेता था, और अगर ये प्लेन है, ये टिकी है, और ये इससे मैं काट लूं, अपने आप को मरने की कोशिश कर रहा था, पर प्रभु ने वहां से उठा के उसे खड़ा कर दिया, हालेलुया, चंगा कर दिया। कभी मत सोचो यहां से अब चेंज नहीं होगा, अब तो सब कुछ खो चुका, अब कुछ नहीं होगा, कभी मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसे स्क्रीन पर रखो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं कहता हूं सब कुछ कर सकता हूं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है उस सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने नहीं करना, आपने करना, एक चीज को याद रखना, आप उसमें जो परमेश्वर आपको शक्ति आपके अंदर पैदा करता है, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, मतलब जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं कर सकता हूं,
जो परमेश्वर के अंदर है वो मेरे अंदर है, उसने मुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, मेरे अंदर वो सब ताकत है जो परमेश्वर के अंदर है, मेरे अंदर वो सब कुछ चेंज करने की ताकत है जो परमेश्वर के अंदर है, मुझे केवल बिलीव करना है कि जो वो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूं। हालेलुया, आज से आप बिलीव करते हो, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है सब कुछ बदलने की, सब कुछ चेंज करने की, हर बीमारी को अपने अंदर से निकालने की, हर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, अपने आप को गरीबी को अमीरी के रूप में देखने के लिए, अपने सपनों को स्वीकार करने के लिए, अपनी कल्पना को पूरा होता देखने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। जे दास तो बोल रहा है प्रभु का मैं सब कुछ कर सकता हूं, आपको क्यों नहीं बिलीव हो रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो? क्या लिखा आगे वचन में, ये कहता है मरकुस में 5:28-29 तक, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो वह चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह बीमारी से अच्छी हो गई है। इस वचन में बहुत सामर्थ है, जितनी तारीफ करें कर सकते आप परमेश्वर की। बोलो प्रभु आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। यहां पर एक 12 साल लहू बहने वाली रोगी औरत, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, पीरियड्स वाला थोड़ा थोड़ा लहू बहने वाली बीमारी नहीं है कि बंद नहीं हो रहा है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, 12 साल से उसका लहू बह रहा था कंटिन्यू, पैसे सारे खत्म हो गए, वैद्यों के पास गई, सारी शक्ति भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, और भी रोगी होती गई वो, ठीक तो क्या होना, पर एक दिन उसे पता चला मेरे नगर में यीशु आ रहे। ये एक यीशु मसीह, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, गवाहियां सुनी थी यीशु ने ऐसे ऐसे लोगों को चंगा किया, और उसने क्या किया, मतलब यीशु की शक्ति आप खींचना चाहते हो तो उसका सीक्रेट है, परमेश्वर की सब कुछ करने की सामर्थ्य को अगर अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो फिर उस सामर्थ्य के द्वारा जो मुझे देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, समझ रहे? प्रभु का इंतजार कभी मत करो कि वो आपको छुए, आपके अंदर वो ताकत है इन चीजों को खत्म करने का। एक यहां पर मेरी फिंसी हुई और कोई किसी व्यक्ति ने कहा इसे निकाल दे, इसे डिस्ट्रॉय कर दे, अचानक मेरे नहीं, मैंने कहा मेरे शरीर के अंदर ऐसी ताकत है जो इसे खत्म कर देगी एक दिन में, मेरे अंदर ऐसी ताकत है, मैंने विश्वास का अंगीकार किया, मेरे अंदर ऐसी ताकत है जो इसे खत्म कर देगी। ये आत्मा के द्वारा डिसीजन होते हैं, जब कोई चीज आए आपकी लाइफ में, कोई बॉडी में, शरीर में, अंदर जब बाहर आपको नजर आए, आप ऐसा बोले मुझ में ऐसी ताकत है जो इस परिस्थिति को जो मेरे सामने खड़ी है गिरा देगी, आप में वो है, आप में वो ताकत है, उसी ताकत के कारण मैं आज तक कभी संडे मैंने मिस नहीं किया, कभी वेडनेसडे मिस नहीं किया, आज तक कभी बीमार नहीं हुआ कि आज बुखार है आज चर्च नहीं आऊंगा मैं, कभी हुआ नो, क्योंकि उसकी जो आत्मा आपके अंदर रहती है उसमें ऐसी शक्ति है जो बीमारियों को खत्म करने की सामर्थ्य रखती है, जो कमजोरियों में शक्ति दिखा सकती है। आपको समझना है कि आप कौन हो मसीह में, आपको पता है आप कौन, क्यों हालातों को देखकर अपने आप को जज कर रहे हो, हालात आपको देखकर चेंज होने चाहिए, हालातों को देखकर अपने आप को, अपने अंगीकार को, अपने आप को कभी मत बदलो कि पवित्रता में खड़ा हूं हालात ऐसे हुए कि पाप में चले गए, विश्वास में खड़ा हूं हालात ऐसे है कि विश्वास से पीछे हट गए, हालातों को देख के खुद चेंज ना हो, आपको खड़ा देख के हालातों को चेंज होना पड़ेगा, अड़े और खड़े रहो। तो ये प्रभु के अंदर एक शक्ति थी सब कुछ करने वाली, ये 12 साल रोगी औरत ने ये शक्ति को अपने लिए पाना था, उसने क्या किया, उसने कहा यदि मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसने अपने मन में कहा, अंगीकार करो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रखो, उसने अपने मन में कहा अगर यीशु इतना शक्तिशाली है मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ले हैंड की जरूरत नहीं है, मैं इसके कपड़े को छूकर ठीक हो जाऊंगी, मुझे इसकी शक्ति पर इतना भरोसा है। और वह कहती है और यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसने अंगीकार किया अपने मन में अंदर। और आज एक बिलीवर चुप करके बैठा है कि प्रभु ने छूना, प्रभु तू चंगा करना तो कर दे, तेरी जो प्रभु दी इच्छा, अगर प्रभु इच्छा है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। प्रभु की इच्छा याद रखो ये है, वो कहता है मैं जे चाहता हूं, वह जे चाहता है कि तुम सदा चंगे रहो। आप वचन को चेंज करने की कोशिश मत करो, उसकी इच्छा है कि नहीं आपकी चंगाई, आपके हालात बदलने के प्रति, वो सदा चाहता है कि आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीषित रहें। अगर कोई हालात परिस्थिति भी आएंगी आप उसे भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब उसका आत्मा आपको अंदर रहता है आप समझ पाते हो इन चीजों को। हालेलुया। अगला वचन निकालेंगे इसके, जब उसने ये वस्त्र को यीशु को छुआ
और तुरंत उसने शरीर में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। अरे लहू बहता बंद हो गया, अगर ये रेगुलर टेस्ट मनी चेकिंग करनी है तो हफ्ता महीना चेक करेंगे। पास जिसने एक महीना चेक किया, चेले आएंगे बाद में, पास जिसने एक महीना यीशु जी चेक किया, इसका भी उसके बाद लहू नहीं हुआ। क्योंकि उसको जब जब शक्ति आपको छूती, आप तुरंत अपने शरीर में उसने जान लिया कि मेरा लहू बहना बंद हो गया, मैं इस बला से बीमारी से आजाद हो चुकी हूं। पर वो अंदर शर्माती रही, अरे मेरी इतनी गुप्त प्रॉब्लम है, सबके बीच में बता नहीं सकती, गवाही नहीं दे सकती, छुप रही थी। पर क्या हुआ, अरे यीशु के अंदर से शक्ति निकली, यीशु को कैसे ना पता चलेगा। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर कहा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ। आगे देखेंगे, यीशु ने कहा मेरे वस्त्र को किसने छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। कैसे निकली यीशु के अंदर से सामर्थ, उसके ये कहने से कि यदि मैं उसके वस्त्र के शोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने फेथ को शो करो। चेले कह रहे, प्रभु कहते किसने मुझे छुआ। चेले कह रहे, बहुत भीड़ तुझे छू रही है, तेरे ऊपर गिर रही है, तू कह रहा है मुझे किसने छुआ। प्रभु कहते छू तो बहुत सारे वैसे ही रहे, ओ यीशु ये बहुत विश्वक्ता है, ये महाना, ओ प्रभु गुरु हुआ जी गुरु गुरु। पर इसने चंगा होने के एक विश्वास से कि यदि मैं उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं चर्च में जाऊंगी आज चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं चर्च से प्रेयर करके जाऊंगा मेरे हालात बदलने शुरू होंगे। और उस अंगीकार को थामे रहे, चाहे घर में जाए तो डांट पड़े कि आप जो यीशु के पास आए हो, जो आप विश्वास दिखा रहे हो, ये केवल चमत्कार लेने के लिए बाहरी विश्वास है, जब आप परिस्थितियों में भी जब आप खड़े रहते हो, कहते नहीं प्रभु सब कुछ बदलेगा, आप खड़े रहते हो, फिर ऐसे विश्वास से प्रभु आपको ऐसा उठाता है, फिर आप हैरान होते हो, मैंने ये सोचा नहीं था, मैं काबिल नहीं था इस चीज के जो प्रभु ने मुझे दे दी है, हालेलुया। फिर ऐसी ब्लेसिंग, आगे वचन पढ़ेंगे, फिर ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करती है। ओके, और उस स्त्री ने घबराती घबराती बताया, यीशु मैंने तेरे वस्त्र को छुआ था, जब मैंने आपको छुआ तुरंत मेरा लहू बहना बंद हो गया, मैं ऐसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। यीशु ने उससे क्या कहा, यीशु ने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, तू इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने, जो सामर्थ्य तुझ में है उसमें तू सब कुछ कर सकता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने ये नहीं कहा मेरी शक्ति ने तुझे चंगा कर दिया, मेरी कृपा होगी और मेरा नाम जपती रहे, नो, उसने कहा तेरे विश्वास ने, मुझ में तो सामर्थ है सब कुछ दुनिया में करने की, पर तूने मेरी शक्ति पर विश्वास दिखाया है और मेरी शक्ति तूने खींच ली है अपनी चंगाई के लिए। आप यीशु की शक्ति को अपनी चंगाई के लिए भी खींच सकते हैं, अपने द्वारा दूसरों की चंगाई के लिए भी खींच सकते हो। अगर आप समझ जाए जो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आपने वो खींच नहीं है, वो सामर्थ्य परमेश्वर से विश्वास को दिखाकर, आज मेरा बिलीव है मेरे साथ ऐसा होगा। एक औरत थी जिसे जब मैं नया आया था, और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी उनके बाद जब मैं बताया, मैंने तो वीडियो देखी थी उनकी, स्टोरी मुझे पता चली एक समय आए, वो वर्शिपर थी और वो गाती थी, और वो क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आया, घटना हुई जिसके कारण वो अभी चल नहीं पा रही, अब वो व्हील चेयर पर है। सालों बीत गए, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर कभी कभी वर्शिप करती है चर्चों में जाके, हमेशा विश्वास दिखाना उसने, आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आज चंगा करेगा, एक दो हफ्ते नहीं, आप तो हमें एक महीना चेक करना प्रभु ने ठीक करता ठीक है, नहीं था फिर अगला सही स्थान। वो 1 साल आती रही, 2 साल, हर क्रूसर में जाना उसने, आज मुझे प्रभु उठाएगा व्हील चेयर, विश्वास दिखाते गए, नहीं चंगी हुई, पूरी विश्वास से भरी हुई, नहीं चंगी हुई, हालेलुया। 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल कितने साल बीत गए, सोचो आपके साथ अगर ऐसा, आप विश्वास दिखा रहे, आप कहते हो तो नहीं रहे। और एक दिन वो ऐसे चर्च में खड़ी और प्रभु के दास प्रीच कर रहे हैं, प्रभु के दास ने कहा उसे बुलाओ वो कौन है लड़की, वो आगे आई, उसके ऊपर प्रार्थना करनी शुरू की, कहती मैं ऐसे सोच, अपनी स्टोरी बताई कि अब मैं, कहते तू पीछे क्यों खड़ी हुई, तू आगे प्रार्थना करवाने के लिए क्यों नहीं आई, कहते अब मैं अक चुकी हूँ, अब मुझे पता है कि होता तो नहीं है, हमेशा क्रूसर में विश्वास दिखाना, कई वक्त अजय 4, 5, 6 साल के मसीहों का भी ऐसा हाल हो जाता है, अब हुण क्या होना है, कितने होना, और वो ऑपरेशन करवाते हैं, वो अपना बल लगाते हैं, अपना पैसा लगाएंगे, अपनी सोच से करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर वो विश्वास दिखा के चमत्कार ले ही नहीं पा रहे। ऑपरेशन करवा सकते हो आप, मेडिसिन खा सकते हो, पर आपके अंदर अगर विश्वास
वो आपके विश्वास पर निर्भर होता है कि आप विश्वास दिखाकर अपना वो लॉस बचा सकते हो, अपना वो अपना बचेधनी बचा सकते हो, अपना कुछ भी बचा, आप अपने विश्वास की तरह कुछ चीजों को बचा सकते हो, अपने लॉस को बचा सकते हो, अपनी लाइफ के ऑपरेशन कराना, मेडिसिन कराना, पैसे खराब, वो भी आपके करने, वो आपके ऊपर होता है, उससे भी हील होते हो। हाँ, कई वक्त होता है कि परमेश्वर ही आपको कुछ प्रॉब्लम से हील कर पाते हैं, कुछ मेडिकल हल नहीं होते चीजों के, दुष्ट आत्मा होती है, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, ऑपरेशन करवा लो, वो फिर से वो दर्द पेन नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा है, डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो आत्मिक इलाज, वो बंधन है, वो श्राप है, वो जादू टोना है, किसी ने कुछ किया है, पीढ़ियों के श्राप है, बाप दादों से आए हैं, मूर्ति पूजा के श्राप है, वो आपके ऊपर शैतानी चीजें हैं, किसी ने किया है, कोई आपसे जलता था, उसका हल आत्मिक रीति से ही होएगा, परमेश्वर ही उससे आजाद कर पाएगा। तो इसीलिए आप अपना फेथ दिखाकर उस चमत्कार को ले पाते हो। तो उस लड़की को अब वो कहते, अब मुझे क्या, अब मेरा विश्वास, अब मेरी आस टूट चुकी, अब क्या होगा। पर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और उसे यहां पर फील हुआ, कहते मुझे फील हुआ, प्रभु मुझे मेरे शरीर को यहां पर, मेरे टोटल बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाती थी व्हीलचेयर पर, टोटल मतलब बंजर शरीर, मुझे फील हुआ कि प्रभु ने मुझे छुआ। प्रेयर कंटिन्यू हुई और उसे विश्वास से कहता चल, चलना शुरू करो विश्वास से। उसने खड़ा करना शुरू किया, उसने वैसे बार बार हुई, फिर गिरी, कुछ फिर गिरी और वो चलती रही एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा उसी पर प्रार्थना, सर्वस पर ये वही मिरेकल। और वो उठी और एक दिन वो धीरे 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 वो खड़ी हो गई और वो फिर चलने लगी। हालेलुया। और ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ और उसे देखकर उस नगर में काफी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। खुद वहां पर बड़े लोग, औहदेदार लोग उसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। ये कैसे इतने सालों से चल पड़ी, तो कितनी महिमा हुई। अगर एक दो साल की चली होती, बीमार सी, ठीक होगी होगी, जब सब लोगों ने उसे 15-20 साल ऐसे सालों साल एक व्यक्ति को ऐसा देखा और वो चल पड़े, क्या होगा। हालेलुया। तो क्या उसने इतने साल विश्वास, ये 12 साल से रोगी में थी। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहो कि जो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, मुझे उस सामर्थ्य में बढ़ने में टाइम लग सकता है, पर प्रभु की वो सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। यीशु ने उसका विश्वास देकर एक लकवे के रोगी से, उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अगला वचन निकालेंगे। यहां पर एक लकवे का रोगी आ रहा है और वो आपके विश्वास की मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक द्रंग का मारा हुआ व्यक्ति बिस्तर पर था, सेम इस लड़की की तरह, इस गुवाही की तरह, वो कभी चल नहीं पा रहा था। पर चार व्यक्ति, ये चीज नया भेद आपने सीखना है जिसके द्वारा चमत्कार आपकी लाइफ में होने शुरू होंगे। चार व्यक्ति या कुछ व्यक्ति रख लो, उसे उठाकर मंजी में से यीशु के पास लेकर आए। काफी रश था उस कमरे में, यीशु यहां पर लोगों को बीमार पर प्रार्थना कर रहे थे, वचन दे रहे थे, पहुंच नहीं पाए। इनको इतना विश्वास था, मतलब आपको कुछ मूवमेंट, कुछ दिखाना पड़ता है कि आप विश्वास करते हो। कैसे जाने के प्रभु पर आप विश्वास करते हो, कुछ करके दिखाना हो। ये व्यक्ति ने क्या किया, छत पे चढ़े, छत को उधेड़ा। पुराने समय की वो लेंटर नहीं था कि उधेड़ नहीं सकते हो आप, छत को उधेड़ा और क्या हुआ, यीशु वहां पर खड़े थे ऐसे मंजी बांध कर। सब सकते मंजी के, मान लो चार बंदे, चारों ने ऐसे पकड़ लिया, चारों को बांधा रस्सियों से और पूरा बैलेंस बना के बंदा गिरी ना जाए, नीचे यीशु के पास रख दिया। यीशु ने क्या कहा, अगर ध्यान से देखें, यीशु ने उसका विश्वास नहीं लिखा, लिखा उनका विश्वास। यीशु ने उनका विश्वास देख के, इन चार बंदों का विश्वास देख के, यीशु ने उस व्यक्ति का विश्वास देख के नहीं जो लकवे पर था, इन चार बंदों का जो उसे लेकर आए, विश्वास देकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब अगला वचन देखे। लोग कहने लगे परमेश्वर के अलावा कौन पापों को माफ कर सकता है, कुड़कुड़ाने लगे शास्त्री, फरीसी लोग, ग्रंथी लोग वहां पर, ये कहता तेरे पाप माफ हुए। यीशु कहता क्या आसान है, ये कहना या तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्योंकि यीशु ने जब कहा तेरे पाप माफ हुए, उसके बाद क्या कहा यीशु ने, क्या ऐसे तो कोई भी बोल देगा, कोई भी बाबा चला यहां पर आएगा कहेगा तेरे सारे पाप बेटा माफ हुए,
कैसे पता चलेगा माफ हो गए? कैसे पता चलेगा कि आप स्वर्ग नरक नहीं जाएंगे पापों के कारण? यीशु कहते हैं अब देखना, ए अधरंगी उठ, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। वो उठा, मंजी उठाई, भाग तो घर चला गया। कहता ये इसलिए हुआ ताजो तुम जानो कि परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को मुझे इस दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार है, अथॉरिटी है मेरे पास, क्योंकि मैं पापियों को बचाने के लिए दुनिया पर आया हूं। ताजो तुम जानो, ये सबूत है, देखो चल पर रहे। अब भीड़ यीशु के पीछे है। मैं तुमसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलता हुआ चला गया, सबके सामने निकलता हुआ चला गया, और सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे, ऐसा कभी हमने, ऐसा आश्चर्य काम हमें कभी नहीं देखा। कहते कई बार चर्च में आते आप कहते ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, तो यहां पर हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। अगर कभी नहीं देखा इसे आप जान पाओ। बाइबल में यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे बिलीव नहीं करेंगे। कई बार जब तक आप चमत्कार नहीं देखते आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होता है। जब आपको पता है अगर ये चंगा हो सकता है तो मैं भी चंगा हो सकता हूं, आपके अंदर विश्वास आता है और अगले दिन आप भी चंगे हो जाते हो। हालेलुया। उसी विश्वास से, सिर्फ ये विश्वास गवाहियों सुनने से कि अगर ये हील हो सकता है, ये चंगा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हालेलुया। तो ये लकवे का रोगी वहां पर चंगा हो गया। यीशु जानते थे इसकी प्रॉब्लम, इसकी पाप है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा पापों से अपने आपको मानना कि मैं पापी हूं। ये चार व्यक्ति, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिसे चंगा करना चाहें, यीशु ने कहा मैं चाहता तो चंगा हो जाए, जिसको यीशु ने चाहा उसे चंगा किया। क्या ये लकवे के रोगी ने कुछ विश्वास दिखाया? चार बंदों ने विश्वास दिखाया। यीशु को जिसके ऊपर भी तरस आता था यीशु ने चंगा कर सकता था, उसके अंदर वो शक्ति थी, चाहे वो विश्वास दिखाए चाहे वो ना दिखाए। कई विश्वास दिखा के चंगा होते थे, कई अविश्वास के कारण चमत्कार खो देते थे, कईयों को यीशु खुद अपने चाहने से चंगा कर देता था। हालेलुया। तो आपके अंदर ये ताकत है कि आप अपने विश्वास से किसी के लिए चमत्कार ले सकते हो। आपस में एकता रखने का जतन करो, इसलिए बाइबल में लिखा है। पता क्यों? कई बार आप अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हो और आपके पार्टनर का, आपके दोस्त का, आपके पड़ोसी का, बेस्ट फ्रेंड का, प्रेयर पार्टनर का, उसका विश्वास आपको मसीह में खड़ा रखता है और बचा के रखता है। हालेलुया। आपको पता है आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, इसलिए कभी हस्बैंड छोड़ो ना। आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट आपकी वाइफ है। डिवोर्स तो ले लिया, अब देखना तेरा क्या बनेगा, क्योंकि वो तेरे लिए प्रेयर करती थी, उसकी प्रेयर के कारण तू बचा हुआ था, अब देखना तेरा क्या बनता है। कई बात आप दूसरों के विश्वास के द्वारा बचे हैं, आपको पता है, दूसरों के विश्वास के द्वारा आप सुरक्षित है, आपके परिवार सुरक्षित है दूसरों के विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आपका दोस्त, आपका प्रेयर पार्टनर, किसी का विश्वास के द्वारा आप सुरक्षित है। हालेलुया। मैंने अपनी सिस्टर के कई बार विश्वास को देखा, वो पूरे रिश्तेदारों के लिए कई बार बोझ रखती थी, इसके जे हो जाए, इसके वो हो जाए, वो जानते भी नहीं हम उनके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हम डेली प्रेयर में, प्रभु इनकी मैरिज हो जाए, इनकी मैरिज हो जाए, हमारी ये मामा जी की लड़की, ये इसकी लड़की, इसकी मैरिज हो जाए, इसे अच्छा रिश्ता मिल जाए, और हम देखते थे उनके साथ हो जाता था। हालेलुया। वो जानते तक ना प्रभु को। हालेलुया। समझ रहे हो आज इस रेवोल्यूशन को, कि आप किसी के लिए विश्वास दिखाएं, प्रभु उसके लिए कर सकते हैं आपके विश्वास के द्वारा। क्योंकि जो चार बंदे लेकर आए उसे उठा के, और उनके चारों के विश्वास को देखकर, विश्वास का क्या प्रकटीकरण था, कर्म क्या था? अगर ये बाहर खड़े रहते, अगर सचमुच यीशु प्रभु हुआ ना, उन्हें दिखना चाहिए था, असि बाहर खड़े हैं एक मरीज नू लेके, ले इतनी भीड़ पाई है थे, कोई नहीं यार, नहीं लगता, नहीं अज गल बननी नहीं है, फिर कदे देखांगे। इन्होंने दिखाया विश्वास, अरे छत को खोल दिया। यीशु कहते तुझे इतना विश्वास है, नहीं तो एक और प्रभु एक छत उधेड़ दी है, कलू पैसे भरने पैने, चल जे चंगा हो गया तो कलू ये तो भरा लवेंगे, पैसे भर देगा, जे ना होया सानू भरने पैजूंगे। रिस्क किया, यीशु मसीह डांट भी सकते हैं, पता नहीं चेले सानू कि डांटूंगे, अद च इन्हें काम रुक जाए, है मिस्त्री भी पता नहीं कितों मिलना उन्होंने टाइम के। तो पर इन्होंने, अरे इतना विश्वास था, बस पहुंचना चाहिए यीशु मसीह को, बाकी का काम यीशु कर रही है। पहुंचना चाहिए वह चर्च में व्यक्ति। आते ना लोग राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, बस, और सबसे ज्यादा उनकी आप सुनते हो ना गवाही मिलती है, उनको गवाही मिलती मिलती, क्यों? उनको पता बस पहुंच जाएं और चर्च पहुंच जाएं, बस उनके वो ऐसा फेथ से आते हैं। और जो 6 महीने का, 6 साल का यहाँ पर बिलीवर है, इनका अभी फेमिलियर हो चुका है जो अनॉइंटिंग के साथ, प्रेजेंस के साथ,
हालेलुया, इनको फेथ नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए कभी लोगों से अलग मत हो वो, क्योंकि आप दूसरे के विश्वास के द्वारा कई बार खड़े रहते हैं, बचे रहते हैं, दूसरे की प्रेयर के द्वारा जो आपके आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं, कभी दूर मत जाओ। इसलिए आपस में एकता रखने का, मेल मिलाप रखने का जतन करो। अगर आप सोचते मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप कभी घिर जाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको टीम वर्क चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको आपस में एक मन रह के आगे बढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि जितना आप मैच्योरिटी में जाएंगे, उतनी प्रेयर में रहेंगे आप, उन लोगों की प्रार्थना में, उनके चेहरों में रहेंगे। मैं आपको एक और तरीका देता हूँ, आपके अगर आपके बहने बहने आपके दोस्त हैं, आपके भाई भाई आपके दोस्त हैं ना, आप डील कर लिया करो, भाई मैं रोज 5 मिनट तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तूने रोज 5 मेरे लिए करनी है, डील फाइनल, बता, वायदा कर। वो कहेगा हाँ ठीक है जी। अब आप उसको टच कर रहे हो, आप आपके फेस से वो हील हो रहा है, उसके फेस से आप हील हो रहे हो। कई बार लोग क्या करते हैं, हल्के वाला प्रार्थना से याद रखी भी मैनू, मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ ना, मेरे लिए प्रार्थना कराया करो मैनू भी, वो बोलते रहते हैं आपको याद नहीं रखते। अरे डील करो पूरी फाइनल, उसको पता है करनी करनी है। अगले दिन पूछा करो, झूठ तो बोल नहीं सकता, कितना कितनी सी भी गल मेरे लिए प्रेयर, मैं तो कितनी सी।